और शिवसेना के उद्धव गुट नेता संजय राउत को पात्रा चाल मामले में राहत नहीं मिली है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। राउत ने पात्रा चाल के पुनर्विकास में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले भी कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ चुकी है। संजय राउत को ईडी ने बीते अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इससे पहले 31 जुलाई को ईडी ने संजय राउत के घर सहित उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में संजय राउत के घर से ईडी को 11 लाख रुपए से अधिक के कैश बरामद हुए थे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबियों में से एक और शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईडी ने शिवसेना सांसद पर पात्राचाल में बड़े पैमाने पर लेन देन का आरोप लगाया।